मैं उसको 400 रुपये किलो से जो उसका प्रेजेंट वेट है मैं पैसा वापस नहीं अलहमदिल्ला तो उसका लाख तो दाव पे लगा ही लगा है, लेकिन मेरा भी 40 दाव पे लगा तो वो पार्टनर है वो 40,000 समथिंग अ न्यू रेवोल्यूशन इन केज इंडस्ट्री इतना छोटा केज ये कोई छोटे भागे का फिर से बच्चा बन गया कि ये कोई छोटे भागे का फिर से छेदा चांदा इंप्लांट कर सकते हैं बदल का ये अस्सलाम वालेकुम, मैं अंसारी अकरम बदमाश बकरे से और आज हम आए हैं रहमान भाई के ARM गोट फार्म पे और इंशाल्लाह आगे की जो बातें रहमान भाई से हम करते हैं और उनसे जानते हैं कि आज इनका फार्म की ओपनिंग थी और उसके कुछ बारे में मालूमात लेंगे। तो अस्सलाम वालेकुम रहमान भाई। वालेकुम सलाम अकरम भाई। रहमान भाई खैरियत से हो? अलहमदुलिल्लाह। काफ़ी माशाल्लाह बहुत थके हुए लग रहे हो। आपके सामने ही फंक्शन हुआ है, आपने पूरा फंक्शन देखा है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं तो जानता हूँ और मैं क्या मतलब अल्हम्दुलिल्लाह हिंदुस्तान के हर लोग जानते ही है कि रहमान भाई जी। और जो सबसे फेमस है एक वर्ड है स्पाइसी, तो मेरा बोलने का यही अंदाज है और तुम्हारा भी अंदाज अल्हम्दुलिल्लाह भी दिखाई दोगे आप जो स्पाइसी है आपके अंदर। तो रहमान भाई आज आप क्या अच्छी जो फार्म की एक काबिलियत होती है काबिल होना, अल्हम्दुलिल्लाह काबिल है तो इस मुकाम पर अल्लाह ने इज्जत से नवाजा है, आप आज कस्टमर में कस्टमर को क्या दिखाना चाहते हो और क्या बताना चाहते हो उनके लिए, क्या स्कीमें आप बताओगे हमें? देखिए स्कीम्स जो होती है ज़रूरी नहीं कि वो स्कीम्स भलाई के लिए होती है, ज़रूरी नहीं वो भलाई लेने के लिए होती है। यस। स्कीम्स अपने आप को मजबूत करने के लिए होती है। यस। जैसे कि मेरी जो स्कीम्स अभी मार्केट में आने वाली है लोग वीडियोस आ जाएंगे, मैं मॉडरेटली ऑफर जो दे रहा हूँ 400 रुपये किलो पर। क्या मॉडरेटली ऑफर? ये काफी मैं अभी 1.5 साल के बाद सुन रहा हूँ मॉडलिटी ऑफर, तो ये एक पॉइंट अल्हम्दुलिल्लाह मेरे को यही कुछ 2 मिनट के अंदर ही मिल गया। तो मतलब इसके आगे भी बहुत कुछ आप देने वाले हो, इसका मतलब कुछ है स्कीम में। हाँ। और मैं वो स्कीम के अंदर मैं बता रहा चाहता हूँ कि स्कीम में क्यों दे रहा हूँ, वो स्कीम के पीछे राज क्या है। जी। जैसे कि 400 रुपये किलो मैं मॉडलिटी ऑफर दे रहा हूँ, पहले 15 दिन अगर बकरा मेरे पास फिट रहता है 16वें दिन से मॉडरेटली ऑफर चालू है और बकरा टर्म्स ये है कि आपको बकरा फिट भेजना है। हाँ। आपने बीमार निमोनिया सर्दी मंडी का लाके बकरा भेज दिया जी। तो मैं उसको कंसिडर नहीं करूंगा। बिल्कुल। तीसरी पॉइंट ये है कि मैं वो बकरा जो प्रिस्क्राइब पाल रहा हूँ अगर रेगुलर पलाई पे कर रहा है। हाँ। तो ही उसी को वो ऑफर मिलेगा। जी बिल्कुल। नहीं पे कर रहा है उसका ऑफर नहीं, बिकॉज जो आदमी रेगुलर पलाई नहीं भेजता तो वो मॉडरेटी का जिम्मेदारी मतलब उसको शौक ही नहीं है। मैं शौक वाले को ये ऑफर देना चाहता हूँ कि किसी को बकरा कुछ होता है मॉडरेटी होती है तो मैं उसको 400 रुपये किलो से जो उसका प्रेजेंट वेट है मैं पैसा वापस रिफंड नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह ये फंड देने से एक चीज़ ये रहमान भाई की अल्हम्दुलिल्लाह उसका शौक कभी खत्म नहीं होगा। जरूर शौक नहीं खत्म होगा। हाँ। दूसरा मैं उसका पार्टनर बन जाता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। पार्टनर कैसे बनता हूँ मैं आपको बताता हूँ। जी सिंपल है, अगर वो बंदे ने 1 लाख रुपये का बकरा लेके आया है ओके और मेरे पास फ्लाइट पे भेजता है और वो बकरा मर जाता है ठीक है और वो बकरा अप्रोक्सीमेटली 100 किलो का होगा तो मेरे भी 40,000 रुपये दाव पे लगे। बिल्कुल। तो उसका लाख तो दाव पे लगा ही लगा है लेकिन मेरा भी 40 दाव पे लगा है तो वो पार्टनर है। वो 40,000 बचाने के लिए मैं उस बकरे के अंदर जो मैं 200 टका दे रहा हूँ। हाँ। मैं वो 400 टका दूंगा इंशाल्लाह। देखो बिना मॉडरेटी के भी लोग ऑफ बकरे पालते हैं और बकरे में मेहनत करते हैं बकरा बचता है। बिल्कुल। बट क्या होता है जब तुम्हारा पैसा इन्वॉल्व होता है, जब तुम्हारा इन्वेस्टमेंट इन्वॉल्व होता है तो तुमको जब तुम उसको चेक कर रहे हो भाई मैंने उसको मार दिया दवा और छोड़ दिया सुबह, लेकिन मैं मेरे तरफ से ये होगी क्या उसको मैं और क्या ऐसा बेस्ट करूं और कौन से बेस्ट डॉक्टर से उसको दिखाऊं और कौन से बेस्ट डॉक्टर को उसके पास लाऊं और कौन सा उसका क्या अच्छा करूं कि मैं बकरे को बीमारी से निकालूं मेरे 40,000 बच जाए या मेरे 20 बचे या मेरे 30 बचे। बराबर। तो मैं मेरे पूरी ताकत। हाँ। सारे आर्म्स एंड एम्यूनेशन वो एक साथ पे लगा दूंगा कि बकरा कैसा भी मैं इसको बाहर निकालूं इंशाल्लाह, बिकॉज मेरा पैसा लगा है। बराबर। मेरा पैसा लगा है तो मुझे भी उस पैसे को बचाना है और मुझे उस बकरे को भी बचाना है और मुझे फिर उसके बाद में भी अगर बकरा जाता है देन मर्जी अल्लाह की थी, वो चाहता था कि मेरे पैसे जाए क्योंकि उसका शौक चलेगा तो मैं सीरियस हो जाऊंगा उसका शौक चलेगा और तब जाके काम करने मजा भी आएगा। बराबर। जरूरी नहीं कि मैं अगले साल को ऑफर नहीं दूं तो मैं सीरियस नहीं हूँ, मैं सीरियस हूँ लेकिन जहाँ मनी इन इन्वॉल्व वहाँ पर फिक्र भी आती है। बिल्कुल। है ना, जैसे कि आप कहीं पर भी कोई भी चीज़ खरीदते हो और आपको उसमें पैसा लगता है तो आपको फिक्र होती है कि भाई नहीं मैंने यहाँ आईफोन लिया हूँ 15.5 लाख रुपए का तो मैं उसमें कवर चढ़ाऊंगा, मैं लेमिनेशन करूंगा, मैं उसको स्टिकर लगाऊंगा, मैं साइड के बॉर्डर टाइट रखूंगा, मैं उसको ऐसे हाथ में नहीं पकड़ूंगा, मैं ज़्यादातर जेब में रखूंगा, मैं ट्रैवल कर रहा हूँ तो उसको पॉकेट में रखूंगा। क्यों आदमी फिक्र करता है? क्योंकि उसमें अपनी लागत लगी है। लागत लगी है, 1.5 लाख का फोन है, मेरे को कैसा भी करके उसको संभालना है। बिल्कुल। तो आदमी पूरी वरना वही अगर तुम 25,000 का फोन लोगे तो आप कहीं पर भी रख दोगे, अरे भाई चलना गया था गया था। अपने पास रहमान भाई केजेस किसने रेडी है? अल्हम्दुलिल्लाह आज की तारीख में मैं 100 बकरे की अकोमोडेशन
जगह पे ले सकता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। और अभी अपने पास फिल वक्त 150 बकरे फार्म पे है, 150 बकरे। इसमें पलाई पे कितने हैं? अराउंड 150 बकरियां छोड़ के 130 बकरे जो है, हाँ। उसमें 30 बकरे जो है हमारे पर्सनल है, 100 बकरे की पलाई है। अच्छा, एक क्वेश्चन और पूछूंगा रहमान भाई मैं जी। अभी अपने पास जितने भी बकरे है बराबर, उसमें एक अल्हम्दुलिल्लाह चाहे वो पलाई का हो या अपना खुद का जो है, एक मिनिमम जो टारगेट मतलब वेट गेन हो रहा है वो कितना हो रहा है? मेरा, मैं लास्ट 4 महीने से इन्वेस्टिगेट कर रहा हूँ मेरे वेट गेन का, तो मैंने उस दिन टोटल मारा था ओवरऑल फार्म के बकरे और उनका वेट लास्ट मंथ के एवरेज मैंने निकाला, तो मुझे लास्ट 3 महीने की एवरेज में मेरे को 3.8 के जी का एवरेज मिला, 3,700-800 ग्राम अल्हम्दुलिल्लाह। मतलब वो 4 और 5 किलो का एक एवरेज इंशाल्लाह अपने को मिलेगा। 7 किलो भी लिया है उसमें, 2 किलो भी लिया, एक एवरेज अपन जोड़ रहे हैं, एवरेज पकड़ रहे हैं। तो मतलब 3.7 तक का एवरेज अब तक का पकड़ा लास्ट मंथ तक का अल्हम्दुलिल्लाह। आने वाला और 2-3 महीना शायद मेरी मेहनत और अच्छे से हो रहे तो मैं 4 किलो के ऊपर का एवरेज पार कर सकता हूँ। माशाल्लाह, 4 किलो के ऊपर का एवरेज में अगर पार करता हूँ। इसका कितना एवरेज आया? ये तो भाई तो सेल्फ फीडिंग पे। तो रहमान भाई इसका कुछ नाम है? ये बोबो नाम है इसका, बोबो, और ये मेरे पास ही रहता है जब मैं जा जाता हूँ, साथ में ही रहता है। चलो अल्हम्दुलिल्लाह। अब इसके बाद आप कुछ बोले तो मैं और कुछ दिखाने वाला, बहुत स्पेशल है कुछ केजेस। स्पेशल, यस, द स्पेशल व्हाट आई वांट टू शो वो आप आइए मैं दिखाता हूं। यस, आज से इंडिया में मतलब मैं तो नहीं देखा, आप लोग देखे होंगे पता नहीं, फिर मैं अगर मैं गलत हूं तो मुझे करेक्ट करना। जो केज मैं आप लोगों को दिखाने जा रहा हूं वो जो छोटे बकरे होते हैं, बैट डम, जिंग, छोटे बर्बर है, तो सामने जो भी छोटे जानवर है जिनकी हाइट 30 के ऊपर जाती नहीं है उनके लिए हमने ये लिलीपुट केजेस क्रिएट किए। ओहो, मतलब इसको बैंटम बाड़ा, बैंटम जिंग, जो भी आप बोलो, दिस इज व्हाट समथिंग अ न्यू रेवोल्यूशन इन केज इंडस्ट्री। इतना छोटा केज, ये कोई छोटे माँ के पेट से बच्चा पैदा हुआ केज नहीं है, ये प्रॉपर एक अच्छे 6 दांत 4 दांत के बैंटम्स जिंग बर्बरों का ये माड़ा है। सेम लागत है। मतलब जैसे मतलब वो नहीं है कि छोटा, हाँ, ये कोई 5,000 जैसे 2,000 नहीं बना, जैसे जात के बकरे आएंगे और वो उसमें घुस जाएंगे। यस, तो मैं ये बोलूंगा कि भाई बैंटम के लिए केजेस नहीं है, बैंटम को तो खूंटे पे रखेंगे, जिंक को तो खूंटे पे रखेंगे, बर्बरे को तो खूंटे पे रखेंगे। व्हाई? मैं आपको रोकूंगा ये रहमान भाई, मतलब ये केजेस बताने का मकसद ये रहमान भाई का जी, कि इसमें रहमान भाई अपनी जगह कोई भी नहीं बता रहे। एग्जैक्टली, इसमें ये दिखा रहे कि मतलब अपन पूरे अल्हम्दुलिल्लाह एकदम दिल से और ईमानदारी से हर बकरे को एक नजर से देख रहे। टेक्निकली बनाया गया है ये केजेस को, मैंने बनाया हूँ तो मैंने इसका मुंह इतना रखा कि यहाँ से ना बैंटम ना जिंग ना वो कोई बाहर नहीं आ सकता। और माशाल्लाह काम तो ना ये उड़ी मार, बहुत ही माशाल्लाह हुआ है, काम भी बहुत अच्छा। उसको मैंने इतना जंपिंग पोजीशन नहीं दिया हो कि उड़ी मार के बाहर आ जाए, तो वो मेरे लिए सेफ है। अगर बिना रस्सी के भी छोड़ूंगा वो अपना रिलैक्स खाएगा पिएगा और गोल गोल अंडा बनेगा। ठीक है, बैंटम जिंग के अंदर कोई वो 100-100 किलो नहीं आते, लेकिन जब उनकी पेटी बड़ी होती है वो 45-40 किलो के बनते हैं, तो फिर वो बकरे दिखते ही बैंटम गोल है और फरी रहेंगे। दूसरी बात, इनको चाहिए सफाई, ये होने नहीं चाहिए गंदे, बिकॉज ये एक्सॉटिक्स है। तो मैंने इसमें खास क्लियरिटी वो नहीं लाया हूँ जो आज तक मतलब नॉर्मली ये होगा ही कहीं देखा होगा, ये मेरे बाड़े हैं, ये रिमूवेबल है, आप समझे। जब भी मेरे को निकालना है, धोना है, मैंने प्रेशर से साफ किया, उठा के ऑफिस नई की नई प्लाई डाल दिया। तो जो पेशाब करने के बाद जो चिपकता है नीचे, पूरा पीला पीलापन हो जाता है, पूरा गंदा हो जाता है, वो बचेगा। मतलब आप 80% तक आप बकरे को गंदा होने से बचा सकते हो, 10-20% सब जगह होता है, बट 80% तक आप उसको बचा सकते हो। फिक्स पैलेट में क्या होता है, कितना भी बकरे को निराओ शैम्पू करके रखो, जब वो अपने बाड़े में जाएगा तो वो पेशाब वाली वही काई के अंदर बैठेगा, जब तक उसको मारो, और जब तुम उसको वहाँ मारोगे तो नीचे चिक्कड़ करेगा और उतना साफ होगा नहीं जितना आप साफ करने की कोशिश भी करोगे। ये तो आपने बाहर लेके गए, लिए प्रेशर से मारे, इसे प्रेशर से मारने जाओगे तो फिर वो इधर उधर पानी सब जगह गंदगी करेंगे। तो ये एक स्पेशल फायदा है, ये मैंने सिर्फ बैंटम केज में नहीं किया हूँ, मेरे बड़े केज में भी ये फैसिलिटी अवेलेबल है। दिस इज व्हाट द फैसिलिटी फॉर द बिगेस्ट केज, ये देखिए, बहुत ईजीली ये निकलता है और ईजीली ये लगता है। ये 3.5 अराउंड 4.5 by 5 है और ये 4 by 6 है, ऑलमोस्ट 5.5 है। तो ये जंबो बकरे, मतलब जिसको 100 किलो के ऊपर का बकरा चाहिए, 90-100 किलो का, तो उनके लिए जंबो के लिए और इनके लिए भी। और इसमें खासियत एक और चीज़ मैं डाला हूँ, ये बकरे को जब खाएगा तो वो चाह के भी ये बकरे के फिडर में मुंह नहीं डालेगा, तो ना उसका कान चबा पाएगा ना कुछ कर पाएगा। हाँ, क्योंकि डिस्टेंस भी बहुत काफी है, बहुत है, और मतलब जैसे मुंडी निकलती है कि दोनों बकरे टकरा जाते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह वो भी नहीं होगा, क्योंकि दूसरा जब फीडर लगेगा ना, ये हाइट और उतर है तो बकरा
सीने के बाद सीने तक ही आ सकता है, इससे ज्यादा आ भी नहीं सकता है। तो ये फैसिलिटी मैंने इसमें अवेलेबल किया हूँ और रिमूवेबल है, साइड से पैक्ड है, ठंडी से बचने के लिए बेस्ट है और एकदम टॉप मोस्ट क्वालिटी का पाइप में बना हुआ है। अल्हम्दुलिल्लाह मजबूत चीज बनी हुई है, ऐसा नहीं कि एक मारा टूट गया, सिंग अटका गया, तोड़ डाला। सो बहुत कुछ इसमें मैंने इन्वेस्टिगेट किया और मैंने 2.5 मिनट लिया तब जाके मेरा ये बाड़ा प्रॉपर कॉन्क्रीट बाड़ा बनाया और नीचे भी कॉन्क्रीट बाड़ा है, कोई मट्टी नहीं है कि नहीं, खींचा साफ किया खत्म। और अल्हम्दुलिल्लाह रहमान भाई रहे या नहीं भी रहे, इनके केयर टेकर भी बहुत अच्छे हैं और पूरा स्टाफ ही अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा है। और सबसे अच्छा कि देखो सबसे पहले कैमरे भी यहाँ लग चुके हैं, कैमरा है, सीसीटीवी, हर चीज एक नजर के सामने है, हैलोजन लगा हुआ है। जो हैलोजन लगाने का मकसद ये कि अभी ठंडी ऑन हो जाएगी और हो गई है, हो गई है, तो उस पर गर्माहट बकरे के ऊपर बरकरार रहे, दैट इज वो मेरा मकसद है, गर्मा बकरे में गर्माहट बरकरार रहे और वो बकरा मॉइस्चर ना पकड़े ठंडी से, वो हालत खराब ना हो। ये पूरा माशाल्लाह जो केज और बाड़े बने हैं, मतलब ये पूरा जो 100% बोलेंगे आज रहमान भाई के फार्म पे अपने को ये चीज पूरी देखने मिल गई कि हर किसी के बकरे की हो या कुछ की हो सेफ्टी इधर पूरी अल्हम्दुलिल्लाह 100% है, 99% बोलूंगा मैं, 100% इसमें ह्यूमन इंटरवेंशन कम होता है, मतलब इंसान का इंटरवेंशन नॉर्मली कैसा होता है, ये डाल दिए तो इसमें देखो ना बकरा भार रहने वाला है, ना बकरा उड़ी मारने वाला है, ना बकरा कुछ करने वाला है, खाना डाला, पानी डाला, अपना पिया दिया, साफ सफाई रखा, बाहर निकाला, सेफ्टी, एक घर बन गया उसका, तो आदमी वहाँ सुकून में सो सकता हो। इसी को मैं कर दूंगा खूटे पे, भाई रस्सी तोड़ दिया, गले से निकाल दिया, लड़ लिया, पैर फंसा लिया, यू नेवर नो, चांसेस है, होते हैं। मैं खूटे भी बकरे पाल रहा हूँ तो कभी कभी मेरे को भी इशू आता है कि बकरा पैर सुझा लिया, अरे क्यों सुझा लिया, पैर में रस्सी लपेट लिया, अब रस्सी लपेट लिया तो वो रात भर लपटा ही रहेगा, आप समझे बात को, केज में जल्दी हादसा नहीं होता है, ना जल्दी फंसता है, नहीं करता है, बिकॉज उसके अंदर वो फेरी रहता है और हो सकता है कभी इतनी रस्सी रहती है, उसमें खाता है बैठता है, खाता है बैठता है, तो ये केज में सेफ्टी है। खूटे के अंदर सेफ्टी ये है कि वो लकड़े पे मारेगा तो सींग नहीं तोड़ेगा, लेकिन मैंने तो आज तक देखा कि लकड़े पे भी मार मार के सींग बकरे तोड़ दी, सो ये पॉसिबल है, सींग बचने का कोई ऐसा गारंटी वारंटी नहीं है, लेकिन यस मैंने कॉन्क्रीट बनाया हूँ, अच्छा बनाया हूँ, मेरी फीड अच्छी है, मेरे कैल्शियम मिनरल मिक्सर। और मैं एक और चीज़ बोलना चाहूँगा, लेकिन बोलना तो आसिम भाई के चैनल में तो नहीं बोला, लेकिन मैं डेली बड़ के पत्ते वो भी दे रहा हूँ बकरे को, जो आज की तारीख में 400 रुपये 500 रुपये भोजा चलता है, तो रात बहुत मुश्किल है, बड़े के पत्ते डेली मिलना बहुत मुश्किल, पढ़ाई में करना, मेरे पास रेगुलर 2 से 3 भोजे आते हैं, वो बकरे के अलहमदिल्ला अपन कोई बकरे का 0.5 किलो जैसा है वैसा चलता है, जैसा बकरा वैसा देते, हरी पत्ती दे रहा हूँ, तुअर भूसा दे रहा हूँ, मिक्स फीड दे रहा हूँ, मिनरल मिक्सचर दे रहा हूँ, कैल्शियम दे रहा हूँ, हर चीज़ दे रहा हूँ, साथ में बड़के पत्ते एक्स्ट्रा पंच दे रहा हूँ कि वो डाइजेशन अच्छा हो और अच्छा वेट गेन ले। सो ये सब हिमालय पत्ती से हम दे रहे, गुड़ का पानी दे रहे, सब कुछ दे रहे, बस बहुत अच्छा। तो माशाल्लाह ये था पूरा इंटरेक्शन, इंटरेक्शन की लास्ट पंच बाकी है, बाकी हाँ, यहाँ से चलते चलते आपको दिखाएंगे कि मेरा क्वारंटीन रूम क्या है और मेरा क्वारंटीन रूम के लिए पॉलिसी क्या है। अभी क्वारंटीन रूम मेरा ऑलमोस्ट बन चुका है, इसके अंदर नहीं दिखाऊंगा, लेकिन मैं आपको बाहर मेरे रूल्स एंड रेगुलेशंस आपको वहाँ जाके पढ़ाऊंगा कि क्या मैं करने वाला हूँ। बकरा जब मेरे पास आता है, और अकरम भाई माशाल्लाह खुद एक डॉक्टर रह चुके हैं तो उनको पता है कि जो मैं रूल्स एंड रेगुलेशन वहाँ लिखा हूँ क्या वो बकरे के लिए फायदेमंद है या नहीं, अगर नहीं है तो मेरे को करेक्ट करेगी, मैं उसमें सुधार लाऊंगा, अगर वो सही है तो खुद ही बोलेंगे नहीं रवान भाई जो तुम ये कर रहे हो 10 दिन इससे अंदर बकरे को मॉर्टलिटी से बचने के लिए चांसेस बेटर है, तो आइए वो रूल्स एंड रेगुलेशन देखिए। चले ये पूरे चार्ट्स इधर लगे हैं इलियास भाई जी, आमिर भाई, रहमान भाई, इतना तो इतने पढ़ के बहुत सुबह हो जाएगी पढ़ते पढ़ते। मैं शॉर्ट में बताता हूँ, शॉर्ट रूल्स के अंदर मैंने सबसे पहले बेसिक है, जब बकरा आता है तो मैं टेम्परेचर, उसका मुंह का छाला, पैर, खुर, आप मालूम है, चेक जू है कि नहीं और सर्दी है कि नहीं, ये बेसिक चेक होता है, ठीक है। गर्म पानी को मैं हल्दी डाल के मैं उसको आने के बाद 3 घंटे बाद देता हूँ, गर्म पानी, हॉट वाटर। दूसरा उसको तुअर भूसा हरी पत्ती पे रखता हूँ मैं, उसको एकदम लाइट खाना हाईटेक, उसको हम लोग 10 घंटे बाद लगा देते हैं, इलेक्ट्रोमैग लगाते हैं ताकि उसके जो भी बॉडी पे इफेक्ट हो कुछ नहीं हो स्किन के लिए। और ई बूस्टर जब आता है ट्रैवलिंग करके थका हुआ रहता है, बूस्टर के हम लोग उसको ई बूस्टर पिलाते हैं, इसलिए देते हैं ताकि उसके लंग्स को वो बूस्ट करे, उसके खाने की मिकदार को बढ़ाए। और दूसरा रेस्ट्रोबल करके एक लिक्विड है जिससे बॉडी का इम्यून, रेस्ट्रोबल नाम ही उसका रेस्ट्रोबल इसलिए क्योंकि वो खुद रिलैक्स बॉडी रिलैक्सिंग लिक्विड है, वो हम लोग उसको देते हैं। और पोटेशियम से पैर धुला देते हैं, जो बेसिक पैर में धुला, पोटेशियम में जो भी बैक्टीरियाज रह गए वो रहमान भाई वहाँ पे भी उसको उसकी भी नो एंट्री। तो मेरे को मतलब मेरे 400 रुपये बचाने हैं तो मेरे को सब करना पड़े। बिल्कुल। तो डे 2 में भी वाइंडल चालू करते हैं हम लोग, वेजिटेबल चालू रखते हैं, मल्टी स्टार देते हैं, ट्राइबॉइड ओरल देते हैं और टिक्स जू की दवा हम उनकी बॉडी में मार के उसको खत्म करते हैं। और वही ड्राई फीड और हॉट वाटर जो बेसिक है, वाइमरल कैल्शियम वही चलता है 5 दिन के लिए, वही रेस्टोरेंट चलेगा 3 दिन के लिए, मल्टी साल चलेगा 5 दिन के लिए, फिर ट्राइबेट एक्जेन वही सेम चलेगा 3 दिन, 4th दिन में अपने आप वो
जो 3 दिन का कोर्स खत्म हो जाएगा वहाँ से रेस्टोबर हट जाएगा, वाइब्रल चलेगा, मल्टीस्टार चलेगा, ड्राई फ्रीट वही तोरबुसो हॉट वाटर, 5वें दिन में वाइब्रल चलेगा वो हट जाएगा तुम्हारा, अब लाने की देर पर 4 दिन कोर्स हो रहा, ड्राई फ्रीट चलेगी, मल्टीस्टार चलेगा, हॉट वाटर वही चलेगा सेम। 6वें दिन हम लोग उसको देते हैं शैम्पू वाटर, गर्म पानी से शैम्पू वॉश वॉश कर देंगे उसको, गोट स्पा उसको बोलते स्पा, आप लोगों को मैंने स्पा दिखाया नहीं तो ये चलते चलते स्पा देख लेंगे, फिर बाहर देख लेंगे तो बोलना नहीं पड़ेगा मेरे को, और ड्राई फ्रीट और हॉट वाटर वही चलने वाला है। 7वें दिन में सब बंद, फिर ड्राई फ्रीट हॉट वाटर चलते रहेगा गर्म पानी, 9वें 8वां 9वां दिन सेम चलते रहेगा, कोई बकरे को कोई चेंजेस नहीं आएगा। 10वें दिन उसको लगेगी, 11वें दिन लगेगी पीपीआर की वैक्सीन, और 12वें दिन अगर हमारे को बकरा लग रहा है कि अब कंडीशन में फिट है तो वो अपने मेन बाड़े में जाएगा। अच्छा एक चीज फाइंड आउट ये करूँगा, 11 डेज को जो पीपीआर लगेगा वो इसलिए लगेगा क्योंकि ये पूरी फर्स्ट डे से जो भी उसने खाया पिया अपनी कंडीशन में आ गया जानवर फिट, उसको ये पीपीआर देने से वैक्सीन जो होती है काफी मतलब हैवी डोज ही रहता है पहले दिन अगर रहमान भाई, बट वो 1 ml है लेकिन बहुत इफेक्टेबल होती है, ज्यादा स्ट्रेस में उसके बाद ये जो जानवर स्ट्रेस में भी आता है और उससे शायद फीवर भी होता है रहमान भाई, तो इसके लिए उसको 11वें दिन लेने की वजह यही है कि वो 11 दिन में अपने पास सेट हो जाएगा और वो रेडी टू टेक पीपीआर। पहले पब्लिक क्या हो रहा है आजकल में, आया पीपीआर मार दो, आया पीपीआर मार दो, उसको बॉडी गलत तरीका है वो पूरा हिला डालता है। और जो ये पूरे चार्ट में अल्हम्दुलिल्लाह मैं समझता हूँ अगर जो अच्छे से पढ़ के मतलब ये फार्म पे तो है ही है, ये फार्म पे तो किए रहमान भाई, लेकिन हर कोई से जो एक बकरा ही पालते हैं इंशाल्लाह ये चार्ट को फॉलो करे इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह उसको बहुत। रहमान भाई ने ये नया एक लाया है जो लोगों को दिखाएगा सिखाएगा, मैंने पहले इलियास भाई पहले ही मैंने बोल दिया कि ये 99% फार्म नहीं, ये पूरा 100% फार्म है, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह जैसे रहमान भाई बोले अकरम भाई बहुत अच्छे डॉक्टर के उस पे काम किए और करते रहते ही है, पता है कि ये सब चीज़ में क्या असर करने वाला है, क्योंकि मैं इनकी एक बात भी काट नहीं पाया हूँ, इसकी वजह ये है कि पूरे परफेक्टली है। रहमान भाई मैं भी बहुत फार्म घुमाऊँ आपको मालूम है, मैं काफी फार्म गया हूँ, लेकिन ये जो देख रहा हूँ मैं ये पहली बार कोई फार्म पर है, तो इसका मतलब जो आपने 400 बचाने का पूरा जो है पहले ही हिसाब लगा चुके हो। मैंने ऑफर दिया तो मैंने आर्म्स एंड एम्युनिशन साथ में रखा जंगल में, ये हम लोग के दिमाग में नहीं था। इलियास भाई ने सवाल क्या किया, 350 का लो 400 का रहमान भाई को भेज दो, उनका सवाल करने का मतलब ये था 350 में कर दो, मेरे पति को जंग में जाने से पहले मेहनत करने के लिए रहमान भाई और इनका स्टाफ यहाँ बैठा है अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे पास गन है अंदर, गोली चेक कर लिया, उसको चला के देख लिया, ट्राई कर लिया कि हाँ चल भी रही है, मतलब जंग में जा सकते हैं, ऐसे निकल जाऊंगा 400 रुपए किलो बांटने के लिए, पैकअप करके फार्म बेच के निकलना पड़ेगा, संतरे खाने के लिए भी नहीं रहेंगे पैसे, रिक्शा से घर मापुड़ी से घर पे जाने के लिए मेरे को चल के जाना पड़ेगा, रिक्शा के पैसे नहीं रहेंगे। तो इसके लिए तब मैं भाई लोगों को बोलता हूँ स्कीम वीम देना है, लेकिन पहले अपनी आर्म्स एंड एम्युनिशन रेडी रख लो, ये फॉलो कर लो भाई। ये जो रमन भाई बनाए ये बहुत अच्छा लगा मेरे को भी देख के, ये जो वाइब्रल की बात कर रहा हूँ मैं, मल्टी स्टार रेस्टोरेंट ट्राइबेड बोलो, ये बहुत महंगी आइटम है, सस्ती है क्या ट्राइबेड रेस्टोरेंट भाई? ये चीज ऐसी है कि आदमी बोलता कोई भी लिक्विड पिला दो उससे मल्टी विटामिन मिल जाएगा, एग्जैक्टली, लेकिन ऐसा नहीं होता है, मल्टी विटामिन वेमिराली है, मल्टी स्टार ही होता है, exactly. और रेस्टोबल जो नाम लिए ना भे, काफी जगह नहीं किसी को शायद मालूम नहीं है रहमान भाई, बहुत भारी, लेकिन मैं कई सालों से यूज कर रहा हूँ और रहमान भाई यहाँ पे उसका जिक्र भी कर दिया अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत अच्छा। तो ये सब जो बॉडी को इफेक्ट पड़ने वाली चीजें है और बैक्टीरिया कम करने वाली चीजें, ये सब इस पूरे चार्ट में है। और हाँ मैं ओरल डिवॉर्मिंग इसमें इसलिए नहीं डाला हूँ क्योंकि ये ओरल डिवॉर्मिंग हाईटेक मार दिया तो ओरल डिवॉर्मिंग की जगह पे जरूरत नहीं पड़ती है, वो आप एक महीने बाद मार सकते हैं ओरल डिवॉर्मिंग, बिल्कुल बहुत अच्छा। तो ये था प्रॉपर ये जगह अकोमोडेट इसलिए किया हो कि यहाँ पर मैं प्रॉपरली उसको प्रेशर वॉश जो आता है मशीन से वो प्रेशर वॉश से मैं उसको निकाल सकता हूँ, और उसको स्क्रब करने के लिए हमारे पास स्क्रबर्स है, हमारे पास 3 शैम्पू है जो मैं अभी फिलहाल ओपनिंग थी इसके लिए मैं रखा नहीं, गिर जाएगा यहाँ, 3 अलग अलग जात के शैम्पू है जिससे हम बाल स्किन और टिक्स वो सब क्लियर करते हैं, दूसरा उसको हम लोग ड्रायर करते हैं, कंघी है उसके लिए स्पेशल उसके बाल गुत्ते छुड़ाने के लिए, तो बहुत सी चीज़ें इसके अंदर है जो हम लोग यूटिलाइज करने वाले हैं, तो ये स्पा गोट के लिए अच्छा रहेगा, फ्रेश रहेगा, एंड ये बहुत नीट बनाया गया है, गर्म पानी से भी नहलाऊंगा मैं, ड्रम में गर्म पानी रखूंगा उसको गर्म पानी से, ठंडी में हीटर रखा हुआ है तो गर्म पानी से नहलाओगे तो ठंडी सर्दी होने का चांसेस बहुत कम है। और इधर पे नहा के आ गया, फिर इसको इसका सेकंड स्टेप ये है, इधर हेडर भी है, धूप अगर है तो भी सूख जाएगा, नहीं तो सबसे पहले वही काम है कि नहा के जैसे ही आएगा उसके जो बॉडी के पानी है ज्यादा वो निकलने के बाद उसको हेड को ड्राई करके जो बच गया अंदर उसको ड्राई करके स्टीम करके उसको छोड़ दिया जाएगा। माशाल्लाह बहुत ही अच्छा, और एक अल्फाज बोलूंगा इंग्लिश वर्ड का, फंटास्टिक फार्म, फंटास्टिक फार्म, माशाल्लाह ठीक है। चलो रहमान भाई की मेरी मेहनत थी जो फंटास्टिक फार्म करना था, बाकी आप लोग के ऊपर है, आपको बकरा देना है नहीं देना है, इट्स ऑल टू यू,
आना है आपके लिए वेलकम, नहीं भी आए तो भी वेलकम। रहमान भाई, जैसे कि मैं पहली बार आपकी वीडियो बना रहा हूँ और बहुत दिनों से आप जानते हो मेरे को, तो अपना चैनल जो है बदमाश बकरा, ये काफी दिन पहले आपने इंस्टा पे पेज बनाए थे और आज फर्स्ट टाइम रहमान भाई की वीडियो बना रहे हैं। तो रहमान भाई अपने चैनल के लिए क्या बोलेंगे? मैं तो ये बोलूँगा भाई, देखो माशाल्लाह इसकी मेहनत, अकरम भाई की और आमिर की मेहनत मैं बहुत सालों से देख रहा हूँ, और इनको प्लीज़ सब्सक्राइब करो, शेयर करो, लाइक करो, और माशाल्लाह इसको जितना आगे बढ़ा सकते हो, एक कोशिश में चल रहे हैं, उनको कोशिश को आगे बढ़ाओ और इसको तरक्की की सीढ़ी पे चढ़ाओ। चलो रहमान भाई, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।